एक तरफ सियासी दर्जा हम देख रहे हैं कि काम होने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि अगर मैं कहूं कि रोज बरोज बढ़ता जा रहा है तो गलत नहीं होगा। और दूसरी जानिब इस वक्त एक खबर सामने आई है जिसमें ये पता चला है कि ए डच कोर्ट कन्विक्ट्स टू पाकिस्तानी मैन, पॉलिटिकल लीडर एंड रिलीजियस लीडर ऑफ पाकिस्तान। इसमें नुकसान किसका है अगर ये इसी तरह टेररिज्म करते रहते? ये पता नहीं किस तरह की सोच जो है यहाँ के जो उलमा किराम है उन्होंने डेवलप किए लोगों के दरमियान। मुख्तलिफ ममालिक में इस तरह के वाक़े हो रहे हैं, ये सिर्फ इटली की बात नहीं है, स्वीडन की बात नहीं, इंग्लैंड के अंदर भी ये सारा कुछ हो रहा है। वो सारे के सारे ये कह रहे हैं कि जी मुसलमानों यहाँ से निकलो। इंडिया को एक सिंपल सी क्लैरिटी है, पाकिस्तान को एक नॉर्मल कंट्री ना बनने दो ये, और हम हर रोज इंडिया के इस ख्वाब को पूरा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी हिंदुस्तान चैनल पे। तो दोस्तों, इस समय दुनिया भर से जिस तरह से अब पाकिस्तानी सोचों के खिलाफ जो रिएक्शन आ रहा है उससे यह साफ पता चलता है कि दुनिया अब पाकिस्तानी माइंडसेट वालों लोगों को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, क्योंकि यूरोप के अब एक या दो नहीं बल्कि कई कंट्री से ऐसी खबरें आ रही हैं जिसे पाकि भाई खुलाए हुए हैं। जैसे कि अभी आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि डच कंट्री यानी नीदरलैंड, जिसको कि हॉलैंड भी कहा जाता है, वहाँ की कोर्ट ने पाकिस्तानी दो नेताओं उनको अपराधी घोषित किया है, क्योंकि इन दोनों नेताओं ने न सिर्फ अपने देश के अंदर बल्कि नीदरलैंड के अंदर बैठे मुसलमानों को भड़काया। नीदरलैंड के ही जो नेता हैं बिल्डर्स, बल्कि उनको थ्रेट की धमकी भी दी, और उसकी वजह थी कि बिल्डर्स ने नीदरलैंड के अंदर मुसलमानों को ढंग से रहने के लिए कहा, लेकिन इस पर पाकिस्तानियों को मची खुजली, फिर पाकिस्तान के अंदर ही बैठ करके बिल्डर्स के खिलाफ अनाप शनाप और उसको धमकियाँ देने लगे। एक खबर सामने आई है जिसमें यह पता चला है कि ए डच कोर्ट कन्विक्ट्स टू पाकिस्तानी मैन ऑन थ्रेट्स अगेंस्ट नेदरलैंड लॉ मेकर गेट वाइल्डर्स। और जिन दो पाकिस्तानी आदमियों को कन्विक्ट किया है डच कोर्ट ने, एक हैं अशरफ जलाली और दूसरे हैं खादिम हुसैन रिजवी के बेटे साद रिजवी। साद रिजवी तहरीके लबैक के लीडर हैं, चीफ हैं तहरीके लबैक के। तो ये क्या बात है कि पूरी दुनिया में इस वक्त कई एक केसेस ऐसे सामने आए हैं जिसमें पाकिस्तानी मैन कहीं ना कहीं उनको कन्विक्ट किया गया, या वो पकड़े गए, या ये इल्ज़ाम आया कि इन्होंने किसी के खिलाफ धमकी दी, कहीं पर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई और कहीं पर हमला करने पर उकसाया। तो मेरा ख्याल है कि अब क्या वो ये कहेंगे पाकिस्तान से कि इन दोनों को हवाले किया जाए, लेकिन ये उन्होंने कहा है, क्योंकि जब मैं इसकी डिटेल्स देख रही थी तो उसमें ये बताया गया कि नेदरलैंड की अदालत की तरफ से, कोर्ट की तरफ से बार बार रابطہ किया गया और उन्होंने कहा कि हम ये कन्विक्ट कर रहे हैं इनको, तो कोई जवाब नहीं दिया गया पाकिस्तान की तरफ से, कोई जवाब नहीं दिया गया। अभी तक जो मैंने रिपोर्ट देखी है उसमें यही बताया गया कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो मांग सकें लोगों को और पाकिस्तान के ऊपर ये लाजमी हो कि वो लोगों को हवाले करें। देखिए, ये पाकिस्तान के जो मामलात हैं ना, वो रोज बरोज आगे से आगे खराब ही होते जा रहे हैं। वो देखिए, वो आपको रहने के लिए वो अपना मुल्क देते हैं, आप जब तक आपको कोई जॉब नहीं मिलती आपको आपकी हेल्प भी करते हैं, जॉब देते हैं आपको, वहाँ पर रहने के लिए सारी सहूलतें होती हैं। जैसे ही आप वहाँ पर सेट होते हैं आप छुरी निकालते हैं, आप राह चलती हुई औरतों को वो छुरियाँ मारना शुरू कर देते हैं। मुख्तलिफ ममालिक में इस तरह के वाक़े हो रहे हैं, ये सिर्फ इटली की बात नहीं है, स्वीडन की बात नहीं, इटली में भी अब जो मेलोनी ने ये कह दिया कि यहाँ पर नई जगह इन लोगों की। ये पता नहीं किस तरह की सोच जो है यहाँ के जो उलमा किराम है उन्होंने डेवलप किए लोगों के दरमियान। इंडिया को एक सिंपल सी क्लैरिटी है, पाकिस्तान को एक नॉर्मल कंट्री ना बनने दो ये, और हम हर रोज इंडिया के इस ख्वाब को पूरा करते हैं। मैं समझता हूँ खारजा पॉलिसी उनके बहुत अच्छी रही है, और उन्होंने जो अपना एक्सटर्नल मनूवर या डिप्लोमेटिक मनूवर जिसे कहते हैं वो बड़ा अच्छा माउंट किया है। और उन्होंने देखें हाफिज जो मसूद अजहर थे उनको वो खुद दहशतगर्द नहीं करवा दे सके, उनकी इन्वॉल्वमेंट कश्मीर के साथ प्रूव न होने के बावजूद फ्रांस और बर्तानिया और अमेरिका से उन्होंने एक नैरेटिव मूव करवाया और उनको इंटरनेशनल दहशतगर्द डिक्लेयर करवाने में वो कामयाब हो गए।